ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे मारुति सुजुकी स्विफ्ट अभी नए वाली जनरेशन में आने वाली है, मतलब फोर्थ जनरेशन इसका अभी ऑलमोस्ट आने वाला है 2024 में, कमिंग जो ईयर है उसमें, और फरवरी तक इसकी जो गाड़ी की लॉन्चिंग है ये आने वाली है। बट सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज इस वाली वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें जो है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है अपनी नई स्विफ्ट में। अगर आप प्लान कर रहे हो एक नई गाड़ी लेने का तो अभी आप थोड़ी देर और रुक जाओ, क्योंकि अगर आपकी स्पेशली ये बजट है ना कि 10 लाख के अंदर आपको कोई गाड़ी लेनी है तो स्विफ्ट आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस जो है वो यहाँ पे स्विफ्ट में आपको आने वाली मारुति सुजुकी की तरफ से, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो फीचर्स है वो यहाँ पे एड ऑन करिए कंपनी ने, लुक्स वाइज, डिजाइन वाइज, फीचर्स वाइज, सेफ्टी वाइज, सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में आपको इस वाली वीडियो में पता चलेगा। आपको टोटल ऐसे 5 फैक्ट्स बताऊंगा स्विफ्ट के बारे में जो कि अपकमिंग स्विफ्ट में आपको मिलेगी। कि अभी क्या हो रहा है ना कि जितनी भी सारी गाड़ियां आ रही है उन सारी गाड़ियों की जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट आपको मतलब 7 लाख 8 लाख ऐसे कुछ आपको मिल रही है। एंड अगर आप एक बजट में एक गाड़ी लेना चाह रहे हो, मतलब अगर आपके बजट कुछ 8 लाख 7 लाख 8 लाख के अप्रॉक्स में, तो आपको मार्केट्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। बट यहाँ पे जो एक बेहतरीन जो ऑप्शन है वो आपको बहुत ऐसे लिमिटेड है। अपकमिंग स्विफ्ट की जो प्राइसिंग है ना वो ऑलमोस्ट आपको 6 लाख से स्टार्टिंग हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये प्राइस को सुन के ना आप लोग ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए इसके अपकमिंग फीचर्स को जानने के लिए। देखो सबसे पहले चीज हम डिजाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो डिजाइन जो है वो गाड़ी की कंप्लीटली आपको चेंज हो गई है, मतलब कंप्लीटली तो हम इसे नहीं बोल सकते, बट हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलने वाली फ्रंट से रियर से। फ्रंट में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो फ्रंट में आपको फ्रंट बंपर जो है वो आपको कंप्लीटली डिजाइंड है, प्लस इसका आपकी हेडलाइट जो है वो भी चेंज है विद एल शेप DRL, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है इन द फोटोज। अब सामने से भी गाड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। अब देखो स्विफ्ट की जो एक स्विफ्ट लवर है ना वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड इस वाली गाड़ी को लेके, क्योंकि देखो स्विफ्ट वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार्स रही है अभी तक मार्केट में, और अभी ये वाली जो स्विफ्ट आने वाली ना ये चीज इस चीज को और यहाँ पे मेंटेन करके रखेगी, इस लेगेसी को जो है यहाँ पे मेंटेन करके रखेगी, तो वो चीज है। अब देखो फ्रंट के साथ साथ इसमें आपको रियर भी आपको चेंजेस है, क्योंकि रियर में भी आपको जो बंपर है वो आपको कंप्लीट चेंज होता हुआ यहाँ पे दिखने वाला है, प्लस आपको रियर की जो टेल लाइट्स वगैरह है, जो रियर का ओवरऑल जो एक शेप है वो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वो आपको मिलेगा अभी करेंट जो मॉडल अभी चल रही है ना उससे। प्लस यहाँ पे आपको जो डिजाइन लैंग्वेज है वो अब आपको थोड़ा पहले से ना और थोड़ा निखर के आएगी, थोड़ा और स्पोर्टी लुक के साथ आएगी। देखो पहले भी स्विफ्ट बहुत स्पोर्टी लुक के साथ आता था, बट अब यहाँ पे और ज्यादा स्पोर्टी लुक के साथ ये वाली स्विफ्ट आपको देखने को मिलने वाली है। अब एक्सटीरियर के साथ साथ इसमें आपको इंटीरियर में भी बहुत इंटरेस्टिंग जो चेंजेस है वो यहाँ पे कंपनी ने करे हैं। इंटीरियर में आपकी जो डिजाइन है वो कंप्लीटली इंस्पायर्ड होगी विद दी बलेनो, क्योंकि इसमें आपको वैसे ही कुछ जो आपको स्टीरियो सिस्टम है वैसा आपको इसमें मिलेगा, मतलब 9 इंच का जो स्टीरियो सिस्टम है वो आपको आएगा। उसके साथ साथ जो आप AC कंट्रोल्स जो है, डैशबोर्ड की जो डिजाइन है वो आप कंप्लीटली इंस्पायर्ड होगी विद दी बलेनो एंड विद दी ग्रैंड विटारा। जो इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि बलेनो और ग्रैंड विटारा की जो इंटीरियर है वो ऑलमोस्ट सेम है, और हम ये बोल सकते हैं कि बहुत जो एक प्रीमियम साइड में ये जो इंटीरियर वो निकल के आती है, तो वैसा कुछ इंटीरियर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब सीट वगैरह में वैसा कुछ आपको यहाँ पे चेंजेस नहीं मिलेगी, वही सारी चीजें जो है वो आपको अभी जो है जैसे मिलती वैसे आपको वहां पर भी देखने को मिलेगी, तो उसमें आप ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। ओके सो अब यहाँ पे अगर हम इसके इंजन को डिस्कस कर रहे हैं तो देखो इसमें अभी आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है, जो कि ऑलमोस्ट 88.5 BHP की जो पावर है वो जनरेट करता है, 113 Nm का जो टॉर्क है वो जनरेट करता है, एंड यही वाले इंजन अभी हमें देखने को मिल सकती है। बट इसमें हमें बहुत उम्मीद है कि 1 लीटर का जो आपको टर्बो पेट्रोल इंजन आता था ना बलेनो में वो भी इंजन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बट इसके लिए अभी कुछ ऐसा कंफर्मेशन नहीं आई है, बट लेट्स सी अगर आएगी तो बहुत अच्छी बात है। एंड इसके साथ साथ एक और रूमर्स ये भी है कि मारुति सुजुकी अपने स्विफ्ट स्पोर्ट के साथ भी आ सकता है, जिसमें हमें 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि मैसिव 140 bhp की पावर एंड 230 Nm का जो टॉर्क है वो देगा। अगर ये वाली गाड़ी आ गई ना सुजुकी स्पोर्ट तो भाई आग लगा देगी, बात तो सही है। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए ट्रांसमिशन के बारे में तो अभी भी आपको ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल दोनों में ही देखने को मिलती है गाड़ी, और आने वाले टाइम में भी आने वाले जनरेशन में भी आपको ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल दोनों में ही ये इंजन देखने को मिलेगी, ये गाड़ी देखने को मिलेगी। आप लोग मुझे ना एक चीज कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आप लोग स्विफ्ट कभी चलाए हो या स्विफ्ट आप लोग ओन करते हो तो आपको इसकी कौन सी वेरिएंट ज्यादा अच्छी लगती है, मैनुअल वाली या फिर ऑटोमेटिक वाली, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इस गाड़ी के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में। पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेफ्टी से, ABS, EBD, हील होल्ड असिस्ट, डुअल एयरबैग्स जैसे जो फीचर्स है सेफ्टी फीचर्स वो आपको यहाँ पे देखने को मिले, एंड हो सकता है कि टॉप मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स की जो सेफ्टी है वो आपको वहाँ पे देखने को मिले। एंड देखो मारुति सीरियसली अब यहाँ पे काम कर रहा है, सीरियसली इस चीज को ले रहा है कि भाई जो सेफ्टी है वो आप कस्टमर्स को अपने इंडियन क्लाइंट्स को यहाँ पे दे, तो यहाँ पे कंपनी ने इस तरीके से जो चेंजेस है वो यहाँ पे अपने नई स्विफ्ट के साथ भी कर रहे हैं। बाकी सारे फीचर्स को अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो इसमें आपको 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, वही सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो हमें ग्रैंड विटारा या फिर बलेनो या फिर ट्रॉन्क्स वगैरह में देखने को मिलता है, तो वही सारी जो सिस्टम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड इसके साथ साथ
आपको क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिक एसी जैसे जो इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। अब देखो इंटीरियर वाइज आपको मैंने पहले बताया कि ज्यादा कुछ आप यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट फीचर्स वाइज यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे एडिशनल जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो कि अभी करेंट मॉडल में हमें नहीं देखने को मिलती है। ओके सो अब यहाँ पे ये गाड़ी ना है ये आपकी डायरेक्टली राइवल करती है विद दी ग्रैंड ह्यूंडई की ग्रैंड आई10 नियोस से ये गाड़ी जो है हेड टू हेड कम्पीट करती है विद दी टाटा टियागो एंड विद दी रेनॉल्ट ड्राइवर से ये गाड़ी जो है ना हेड टू हेड ट्रैवल करती है। अब इन तीनों गाड़ियों की अगर आप प्राइसिंग को देखें तो ऑलमोस्ट आपको 19-20 का आपको फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, तो इसलिए आपको हेड टू हेड जो राइवल है वो आपको ये जो गाड़ी है ये करती है। सो अब यहाँ पे बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये गाड़ी लॉन्च कब होने वाली है और इस गाड़ी की प्राइसिंग क्या है। देखो मैंने प्राइसिंग आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 6 लाख से स्टार्टिंग 6.5 लाख से इस गाड़ी की जो स्टार्टिंग है वो आ जाएगी। ऑब्वियसली बात है कि एडिशनल कुछ फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो प्राइसिंग थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे हाइक होते भी मिलेगा, बट ज्यादा यहाँ पे आप नहीं सोच सकते हो क्योंकि मारुति की गाड़ी अपनी इंडियन कस्टमर को पूरा यहाँ पे ध्यान रखती है, तो 100% हमें यहाँ पे ज्यादा प्राइस हाइक तो देखने को नहीं मिलने वाला, वो चीज है। बाकी यहाँ पे लॉन्च डेट के बारे में बात करी जाए तो देखो उम्मीद है और बहुत ऐसे मतलब कंफर्मेशन है, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि गाड़ी जो है वो फरवरी 2024 तक यहाँ पे इंडियन मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। अब एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, अब ये जो इंजन के बारे में मैंने आपको बताई ना, ये सारी चीज़ें जैसी कन्फर्म होंगी, अगर ये सारी चीज़ें आपकी हो रही है लाइक 1.1 लीटर का आपको टर्बो पेट्रोल इंजन या फिर 1.4 लीटर का स्विफ्ट स्पोर्ट वाली जो मैंने आपको बताई, अगर ये सारी चीज़ें की कंफर्मेशन आ जाती मैं आपको इसी वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मैं वो चीज़ अपडेट कर लूँगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इस वाले वीडियो का आई होप आप लोग वीडियो पसंद प्लीज लाइक कर शेयर कर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को दबाना एंड अगर आपको हमारी कॉन्टेंट अच्छी लगती तो कृपया करके ये सारी वीडियो जो है आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो एंड ये वाली वीडियो को भी आप शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो कि स्विफ्ट लेने का प्लान करे या फिर प्लान करे एक नई गाड़ी लेने का। तब तक लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग स्टे ट्यून्ड स्टे सेफ दिस इज एचएम मोटोवर्ल्ड signing off.